आज आपकी चांदी होगी, क्योंकि आज होगी चांदी यानी कि सिल्वर की बात। ये चांदी बहुत कमाल की होती है, इसके उपाय भी होते हैं, और तो और आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने में ये काम भी आती है। और मैं भी सोच रही हूँ कि आज सिल्वर की बात हो ही रही है तो इस दुकान से मैं भी थोड़ा चांदी पहन लूँ और फिर ही आपसे बातचीत करूँ। आज आपको बताऊंगी वो उपाय जिनसे चांदी आपकी जिंदगी को शुभ बनाएगी, आपकी कुंडली के मुताबिक आपकी जिंदगी में बदलाव करेगी। आज आपको मार्केट ले जाऊंगी, चांदी की लेटेस्ट ज्वेलरी की जानकारी दी जाएगी और आपको चांद सा बनाने वाला सिल्वर आई मेकअप भी सिखाया जाएगा। आज आपको चांद की ऐसी जानकारियां दी जाएंगी जो आपने पहले शायद ही सुनी हो। आज चांदी स्पेशल है तो मैं आपको जो महा उपाय बताऊंगी वो भी चांदी से जुड़े हुए होंगे। तो फिर चलिए पहले महा उपाय की बात करते हैं। अगर फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है, रात के समय चांदी के ग्लास में पानी डालकर उसमें चांदी की अंगूठी डालकर सो जाइए। सुबह अंगूठी निकालकर भगवान के आगे चढ़ा दीजिए, जिन्हें भी आप मानते हैं पानी साफ होना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ होता है। गोल्ड के पीछे तो सब भागते हैं, लेकिन ये चांदी किसी से कम नहीं है। ऐसी मान्यता है कि चांदी की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्रों से हुई। चांदी के संबंध में ये भी कहा जाता है कि ये किसी भी दूसरे मेटल की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपको चांदी के अचूक उपाय बता रही हूँ। पूजा में चांदी के सिक्के और चांदी के बर्तन बहुत जरूरी होते हैं। पूजा पाठ और हवन में चांदी की चीजों का काफी उपयोग किया जाता है। चांदी का दान भी शुभ माना जाता है। चांदी के बर्तन जिस घर में होते हैं वहां सुख, वैभव और संपन्नता आती है। साइंस में भी चांदी के बर्तन घर में रखना अच्छा माना जाता है। इनकी एनर्जी से घर में नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। चांदी और चंद्रमा का खास संबंध है सौर मंडल में मौजूद शुक्र ग्रह का। चांदी को प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र दोनों से है। अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा संबंधित समस्याएं हैं तो उसे चांदी के उपाय करने चाहिए, इससे चंद्रमा शांत हो जाता है। अगर किसी के जीवन में सुख की कमी है तो उसे डेली सुबह चांदी के बर्तन में केसर घोलकर माथे पर टीका लगाना चाहिए। ऐसा करने से सुख, शांति, समृद्धि, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। रोजाना नहीं तो आप ये प्रयोग कम से कम थर्सडे को तो जरूर कर लीजिए। इसी तरह अर्क, जिसको हम अकोड़ा भी बोलते हैं, छाक जिसको छिला बोलते हैं, खैर, अपामार्ग और पीपल की जड़, गुलर की जड़, खेजड़े की जड़, दूरवा और कुशा की जड़ को एक चांदी की डिब्बी में रखकर रोज पूजा करें। इसे जीवन में कभी भी असफलता नहीं आती। कुंडली में नवग्रह शांत हो जाते हैं, सुख संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। सभी ग्रहों की शांति के अलावा अगर किसी की कुंडली में राहु, बुध और केतु नीच स्थिति में हैं, समस्या पैदा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी चांदी बहुत फायदेमंद है। ऐसे लोग कम से कम 200 ग्राम ठोस चांदी का एक हाथी बनवाएं और उसे अपने घर में कहीं उचित जगह पर रख दें। इससे राहु और केतु से मिलने वाला बुरा प्रभाव बहुत हद तक शांत हो जाता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह अष्टम में होकर खराब प्रभाव दे रहा है तो चांदी का नथ पहने। चांदी एक पवित्र मेटल है। ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र से चांदी का संबंध है। ज्योतिष में माना गया है कि अगर चांदी की चीजें पहनी जाएं तो कुंडली में चंद्रमा और शुक्र मजबूत स्थिति में आते हैं। चांदी की तासीर शीतल होती है, इसीलिए चांदी को पैरों में पहना जाता है। आइए जानते हैं चांदी पहनने के क्या हैं फायदे। देखिए, मोती या चांदी चंद्रमा को दर्शाता है, इसलिए कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर हो, चांदी पहनने से चंद्रमा को बल मिलता है। जिन लोगों का मन बेचैन हो उन्हें चांदी पहनना चाहिए, क्योंकि चांदी धारण करने से मन को शांति मिलती है। चांदी चमकीला मेटल है, इसलिए ये शुक्र को भी प्रिय है। चांदी धारण करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। चांदी को मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, मीन राशि वाले धारण कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा के सुखेश होने के कारण चांदी धारण करने से घर और गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। मिथुन राशि वाले चंद्रमा धनेश होने के कारण चांदी पहनने से खास फायदा हो सकता है। इसे पहनने से बोली अच्छी होती है और धन मिलता है।
वृश्चिक राशि वालों को चांदी धारण करने से हिम्मत मिलती है और भाइयों का सुख भी मिलता है। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा आमदनी दर्शाता है। चांदी धारण करने से सैलरी और आपका प्रॉफिट बढ़ता है। चलिए आपको बताते हैं आज का दूसरा महा उपाय। क्या कितनी भी कोशिश कर लेते हैं पैसा आपके यहाँ टिकता ही नहीं है, तो सोमवार की रात जब चंद्र दोष हो, यानी कि जब चंद्र निकल आए उसके बाद में अपने पलंग के चारों कोने में चांदी का कील ठोक दीजिए। ये कील छोटी ही होनी चाहिए। इस उपाय से जल्दी ही आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। हमने आपको गोल्ड फेशियल के बारे में बताया था, याद है ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि सिल्वर की ब्यूटी टिप ना दी जाए? क्यों बेबी, ठीक बोल रही हूँ ना? बिल्कुल सही कहा फैमिली गुरु। हम जो भी कपड़े पहनते हैं उनमें दो टोन जरूर होती हैं, या तो गोल्डन होती है या फिर सिल्वर होती है। अगर आप सिल्वर कलर के कपड़े पहन रही हैं तो मैचिंग का आप कैसे आई मेकअप करेंगी ये बेबी आपको बताएगी। चांदी जैसा रंग तो बेहद खूबसूरत लगता ही है, लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी में चांदी की चमक आ जाए तो बात ही क्या है। आइए बात करते हैं सिल्वर मेकअप की। सिल्वर की जो चमक होती है वो बेहद खूबसूरत तो लगती ही है, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सिल्वर को हम कम से कम मेकअप में इस्तेमाल करें, तभी वो खूबसूरत लगेगा। सिल्वर को हम डिफरेंट चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली वो फीचर्स जो हमारे सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। जैसे कि अगर आपके होंठ बहुत खूबसूरत हैं तो सिल्वर थोड़ा सा सेंटर में लगा सकते हैं, जिससे आपके होंठ और भी वॉल्यूमिनस और लशियस लगेंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी आईज काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं तो इनर कॉर्नर्स में आप आईज पे आप सिल्वर लगा सकते हैं, उससे आपकी आँखें और भी बड़ी और दूर दूर नजर आएंगी, बिल्कुल डो आईड लुक की शेप में। इसके साथ साथ अगर आपकी आँखें और भी ज़्यादा सुंदर आप दिखाना चाहते हैं तो आईलेट्स के सेंटर में सिल्वर भी लगाया जा सकता है। सिल्वर के साथ साथ उसके ग्लिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वो अलग ही और चमक आ जाती है। इसके साथ साथ आईब्रोज के नीचे भी सिल्वर लगाया जा सकता है, चीक बोन्स के ऊपर भी लगाया जा सकता है, ब्रिज ऑफ द नोज एंड ऑल्सो इन द सेंटर ऑफ द लिप्स। इन सब जगह पे जब आप सिल्वर लगाते हैं तो उसकी अलग शाइन आती है और आपके जो फीचर्स हैं और भी हाईलाइटेड लगते हैं। अगर आप सिल्वर को किसी और जगह भी यूज़ करना चाहती हैं तो स्मोकी लुक में भी उसको ऐड कर सकती हैं। काले के साथ जब आप सिल्वर लगाती हैं तो काले की भी चमक और ज़्यादा दुगनी हो जाती है और आपकी जो आईज़ हैं वो और भी ज़्यादा सेक्सी नज़र आती हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा सिल्वर, अगर आपके ड्रेस में थोड़ा सा काम हुआ हुआ है सिल्वर का और आप हिंट ऑफ सिल्वर ऐड करना चाहते हैं अपने मेकअप पे, तो आप सिल्वर रंग का लाइनर भी लगा सकते हैं। आई होप ये सिल्वर मेकअप की टिप्स आप ज़रूर यूज़ करेंगी और हर रोज़ ही बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लगेंगी। सिल्वर की बात हो रही है और मुंबई की हीरोइन से उसकी पसंदीदा सिल्वर ज्वेलरी ना पूछें, इससे तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो बेबी फटाफट हमारे दर्शकों को मुंबई लेकर चलिए। बिल्कुल सही कहा फैमिली गुरु, बेबी आपके दर्शकों के लिए कुछ खास लेकर आई है। ज्वेलरी तो हर महिला को पसंद होती ही है और जब बात सिल्वर ज्वेलरी की होती है तो वो इन फैशन हमेशा से है और हमेशा शायद रहेगी। मोहिना हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं। मोहिना, सबसे पहले तो अच्छा खासा आपके पास सिल्वर ज्वेलरी का कलेक्शन है, इसके बारे में बताइए कितना पसंद है आपको सिल्वर ज्वेलरी पहनना? आई एब्सोल्युटली लव सिल्वर ज्वेलरी बिकॉज गोल्ड एंड डायमंड यू कैन यूज़ ओकेजन्स में, फंक्शंस में, पार्टीज में, बट सिल्वर ऐसी चीज़ है जो जितना भी गॉडी हो आप इसे नॉर्मल यूज भी कर सकते हो, मतलब और स्पेशली सिल्वर ज्वेलरी यू कैन पेयर अप विथ एनीथिंग, इंडियन, वेस्टर्न, सब चीज़ के साथ पेयर अप हो जाता है। गोल्ड कभी कभी अच्छा नहीं लगता है वेस्टर्न क्लोथ के साथ, तो सिल्वर ज्वेलरी इज अ मस्ट, लाइक कलेक्शन होना ही चाहिए बिकॉज कैजुअल्स में बहुत अच्छा लगता है सिल्वर, एंड आई एब्सोल्युटली लव सिल्वर ज्वेलरी। दिख रहा है हमें, और उसके साथ साथ आप कहाँ पे ज्यादा पसंद करते हैं सिल्वर ज्वेलरी पहना? यू नो, पार्टीज में भी पहनते हैं या फिर शूट्स पर जाते हैं तब पहनते हैं, किस तरह से आप पहनते हैं सिल्वर ज्वेलरी? वेल, मूड पे पसंद डिपेंड होता है, ऑल्सो किस तरह के कपड़े हम पहन रहे हैं उस पर डिपेंड होता है। एक्चुअली मूड पे बहुत ज्यादा, लड़कियों के लिए मूड पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है कितना उनको सजना संवरना है। कभी कभी यू नो हम लोग इतना सज जाते हैं बट वी डोंट केयर, वुमेन डोंट केयर, वी जस्ट वॉन्ट टू ड्रेस अप।
तो सिल्वर ज्वेलरी कॉलेज में मैं बहुत पहनती थी बिकॉज सोबर भी लगता है एंड प्लस इट इज ट्रेंडी, तो कॉलेज में मैं बहुत पहना करती थी। आजकल टाइम नहीं मिलता इतना बिकॉज शूट पे कुछ पहन के नहीं जाते हैं क्योंकि वहां जाके सजना ही होता है। तो अभी तो फिलहाल यू नो मेरी ज्वेलरी घर पे पड़े पड़े यू नो मुझे बहुत मिस कर रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग आए और मुझसे पूछा कि मेरी सिल्वर ज्वेलरी कहाँ है। अभी मैं सब बाहर रखूंगी एंड एवरी डे नाउ टू शूट आई विल वेयर वन ईयर रिंग फ्रॉम हियर या तो वन नेकलेस। सारा कुछ यहाँ पे है तो ये बता दीजिए आपका फेवरेट कौन कौन सा है और क्या चीज आप किसके साथ पेयर अप करके पहनती हैं? वे फेवरेट चूज करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं ये इयररिंग्स पहनती हूँ तो यू नो ऑलरेडी ये इतने चंकी हैं एंड दे सो ब्यूटीफुल कि इनको पेयर अप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इस तरह का नेक मैंने पहना है तो आई जस्ट वेयर दीज एंड यहाँ भी मैंने सिल्वर ज्वेलरी पहनी है बाय द वे, मैंने अपने कान में भी सिल्वर अभी पहनी है। ऑलराइट सो ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, वाइट सलवार कमीज पे ये बहुत अच्छे लगेंगे। देन ये एक पुराना नेकलेस काइंड ऑफ है, ये मेरी मॉम ने मुझे दिया था, ये उनका था और फिर उन्होंने मुझे दिया था। इनके इसके इयररिंग्स मैंने घुमा दिए, आई फील वेरी बैड अबाउट इट बट इट्स अ वेरी प्रिटी यू नो पेंडेंट चेन। और उसके साथ साथ ये कुछ झुमकास एंड दिस, ये मुझे गिफ्ट मिले थे मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एक्टिंग क्लास की फ्रेंड है सना, उसने मुझे ये गिफ्ट दिए थे एंड दिस इज आल्सो रियली प्रिटी। अगेन यू नो ये वाइट टी शर्ट एंड जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, सो कूल। ये आई लाइक दिस बिकॉज आई लव द कलर ऑन इट, बाहर रेड है अंदर सिल्वर से यू नो बना हुआ है यहाँ पे डिजाइन, तो दिस आई रियली लव। ये मैंने लाई थी मनाली से, आई गॉट दिस फ्रॉम मनाली। तो मैं बहुत पहाड़ में जाती थी, पहाड़ों पे बहुत अच्छी सिल्वर ज्वेलरी मिलती है, मैंने टाइप के फील की, सो दीज आई रियली लाइक। ये मेरे कुलाबा कॉजवे से खरीदी हुई सिल्वर ज्वेलरी है कॉलेज के टाइम की एंड इट्स लास्टिंग नहीं, सिल्वर लास्ट करता है, वो जरूर काला पड़ जाता है बट जब वो काला यू नो हल्का सा उसमें काला टिंज आ जाता है तो वो और अच्छा लगता है बिकॉज इट लुक्स लाइक के यू नो इट हैज एज्ड ब्यूटीफुली एंड सिल्वर बुरा नहीं लगता है अगर काला पड़ जाता है तो। और ख्याल किस तरह से रखते हैं सिल्वर? मैंने भी देखा है कि इन्होंने भी सिल्वर ज्वेलरी पहनी है। हम शायद बात करने आए थे सिल्वर ज्वेलरी पे, तो हम सिल्वर पहनकर आए। ये आप कहाँ से लाई है बताइए मुझे? ये भी मैंने कुलाबा मार्केट से ही लिया है। टिप टू एवरीवन जो बॉम्बे में नहीं रहते हैं, प्लीज बॉम्बे आइए, कुलाबा कॉजवे जाइए, वहाँ पे रियल सिल्वर ज्वेलरी बहुत बहुत शानदार मिलती है, सो प्लीज कम टू बॉम्बे एंड गो टू कुलाबा कॉजवे। अच्छा ये बताइए मोहिना कि आप ख्याल कैसे रखते हैं सिल्वर का, यू नो क्योंकि सिल्वर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, कॉटन में हम रखते हैं उसको संभाल के। हाँ करेक्ट, सो बॉक्सेज हैं मेरे पास, यू नो एयर टाइट बॉक्सेज में रखती हूँ, उसके अंदर कॉटन रखा हुआ है, मोस्टली हम लोग कॉटन ही रखते हैं, कॉटन के अंदर लगा के वी कवर इट, समटाइम्स वी कवर इट विथ पेपर ऑल्सो, मतलब कॉटन के अंदर योर रिंग्स या जो भी है एंड विद पेपर एंड देन पुट इट इन द बॉक्स, तो हम वैसे रखते हैं। थैंक यू सो मच मोहिना हमसे बात करने के लिए और अपना ये कलेक्शन हमको दिखाने के लिए। आज मैं आपको चांदी से जुड़ी बहुत जरूरी बातें बता रही हूँ, तो चलिए अब आपको चांदी से जुड़ा हुआ आज का तीसरा महा उपाय भी बता देती हूँ। क्या फिजूल खर्च से परेशान है आप? महीने के पहले शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर के साथ रखें। भगवती लक्ष्मी जी के चरणों से स्पर्श करवाकर धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपका फिजूल खर्च खत्म हो जाएगा। बेबी चांदी की बात हो ही रही है, लेकिन फीमेल्स की चांदी तो तब होगी जब उनको मिलेगा लेटेस्ट सिल्वर ज्वेलरी, और वो भी आप बताओगे कि कैसी ट्रेंड में चल रही है। फैमिली गुरु बेबी आपके दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए कुछ खास झलक दिखाएगी। ज्वेलरी किसे नहीं पसंद, और अगर आप किसी लड़की से पूछेंगे कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन है तो वो जरूर नाम लेगी गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी। तो आज हम आप पहुंचे हैं सिल्वर ज्वेलरी की शॉपिंग करने, और सिल्वर ज्वेलरी में क्या कुछ खास है ये हम आपको बताएंगे। और मेरे साथ यहाँ पर अभिषेक हैं। अभिषेक वेलकम टू इंडिया न्यूज़। हाय थैंक यू।
बहुत सारे कलेक्शंस हैं जो सिल्वर ज्वेलरी के, जो अमूमन हमें देखने को नहीं मिलते. सो सिल्वर में अभी आप बताइए कि क्या कुछ खास है सिल्वर. श्योर, ये हमारा स्टूडियो वॉयला कलेक्शन है. स्टूडियो वॉयला के अंदर में हम लोग डिफरेंट डिज़ाइनर्स कलेक्शन रखते हैं. जो लीडिंग डिज़ाइनर्स और हमारे इनहाउस डिज़ाइनर्स के डिज़ाइंस होते हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली हर एक सीज़न में हम लोग कई कलेक्शंस लॉन्च करते हैं. सो मैं अभी आपको ये बताता हूँ. एक तो ये हो गया हमारा जो सिल्वर स्टर्लिंग सिल्वर कलेक्शन है विथ प्योर डायमंड्स. डायमंड भी है सिल्वर के साथ, भी हैं पर्ल भी हैं सिल्वर भी आप देख सकते हैं ज्वेलरी में. और ये सदाबहार है, ये हमेशा ही चलता है. हर एक ओकेशन में लोग ट्रेंडी वेयर पसंद करते हैं. लेकिन माना ऐसा जाता था कि डायमंड गोल्ड के साथ ही ज़्यादा पहना जाता है. अभी आप देखेंगे कि डायमंड पहले येलो गोल्ड के साथ ज़्यादा जाता था, अभी इवन लोग वाइट गोल्ड रोडियम या फिर सिल्वर के साथ में ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हर एक ओकेशन के लिए यूज़फुल होता है, ओवर लुक देता है. और इसके अलावा मैं यहाँ पर भी बहुत सारा कलेक्शन देख रही हूँ, इसके बारे में बताइए. ये जो हमारे कलेक्शन है ये सारे डिज़ाइन और थीम बेस्ड कलेक्शन है. जैसे ये हमारा हो गया मधुबनी आर्ट से इंस्पायर्ड कलेक्शन है, मधुबनी कलेक्शन. आप उसके बाद में आप देखेंगे ये कच्छ आर्ट से इंस्पायर्ड कलेक्शन है, कच्छ कलेक्शन है ये, हम लोग इसको बोलते हैं, ये फोकल ओर है. उसके बाद में आप देखेंगे ये अजरा कलेक्शन है, हमारा अजरा कलेक्शन है, रिसोर्ट वेयर भी है ये. और इसके अलावा ये फिर से फोकल ओर कलेक्शन है. तो हमारे अलग अलग थीम रखी गई है. और कुछ कुछ ऐसे सेट्स भी हैं जो कि बहुत सोबर हैं और सिर्फ उनको डेली वेयर के लिए भी उसको कैरी कर सकते. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे हैं ये जो ट्रेंडी हैं, कॉलेज गोअर्स ऑफिस गोअर्स ये वो पसंद करते हैं लोग, इसको ट्रेंडी वेयर के साथ में पहन सकते हैं. और कुछ ओकेशन वेयर में जैसे मैंने ये आपको दिखाया, ये आपका चोकर हो गया, चोकर बेस्ड फोकल और कलेक्शन है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है. बहुत सारी ट्रेंडी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं. खास बात यह है सिल्वर ज्वेलरी के साथ कि आप उसको रूटीन वे में भी कैरी कर सकते हैं और इसमें भी आपको अलग अलग डिज़ाइंस मिल जाएंगे. दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इन हैं, एक थीम बेस्ड ज्वेलरी कलेक्शन और दूसरा सिल्वर पर्ल और डायमंड का कलेक्शन. थोड़ी बहुत शॉपिंग अभी मैंने भी कर ली है, थोड़ी बहुत अभी करनी बाकी है. मैं जाती हूँ शॉपिंग करने और आप भी अगर सिल्वर ज्वेलरी की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बहुत सारे डिज़ाइंस अभी मार्केट में हैं. अपनी चॉइस के हिसाब से ज़रूर अपने की सिल्वर ज्वेलरी खरीदिए और सुंदर लगिए. मेरे पास बहुत सारे दर्शकों के मेल आते हैं जिसमें मेरे दर्शक खुशी ना मिलने की शिकायत करते हैं. आपकी ये समस्या मैं दूर करती हूँ, आगे भी करती रहूंगी. आपको वो उपाय बताऊंगी जिससे दुख दर्द दूर होंगे. आपको सात काम करने हैं. सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें. ऐसा करने से आपका जुपिटर, सन और मून तीनों मजबूत होते हैं. मंदिर जाकर भगवान के दर्शन जरूर करें, इससे बृहस्पति मजबूत होता है, आप फेमस होते हैं. माँ के गले लगकर तीन बार आई लव यू जरूर बोलें. जब चंद्रमा मजबूत होता है तो आपके मन को कभी कोई हरा नहीं सकता. अपने भाई बहन को हक करें और उन्हें स्पेशल फील कराएं, इससे आपका मंगल अगर भाई को करते हैं मजबूत होता है जो आपके विल पावर का मालिक है. और बहन को गले लगाने से बुध मजबूत होता है जो आपकी बुद्धि का कारक है. 10 साल से कम उम्र की किसी छोटी बच्ची को गुलाब का फूल दें और अच्छा है कि उसको फल दें, गरीब बच्ची हो तो. ऐसा करने पर भी आपकी बुद्धि तेज होती है, बुध का उपाय है ये. पॉसिबल हो तो 7 गरीबों को अच्छा खाना खिलाएं, ये शनि की बेस्ट रेमेडी है. अपने लाइफ पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, इससे आपका शुक्रबली होगा. चलिए अब आपको चांदी का चौथा महा उपाय बता देती हूँ. क्या बिजनेस में बरकत नहीं हो रही है? गुरुवार को छोटा सा उपाय करें. इस उपाय को आपको कैसे करना है? आपको गुरुवार के दिन एक पीला कपड़ा लेना है, इसमें काली हल्दी, 11 गुमती चक्र, एक चांदी का सिक्का, 11 कौड़ियां बांधकर 108 बार एक मंत्र बता रही हूँ उसका जाप करना है. फिर जहां भी आप काम करेंगे उसको वहां रख दीजिए. मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. अब कुछ वास्तु टिप्स देने का वक्त आ गया है. मैं आपको लगातार वास्तु टिप्स देती हूँ, आप फॉलो किया कीजिए, जिंदगी में बड़े बदलाव महसूस करेंगे आप. रोज सुबह उठकर खिड़कियों को खोलें कम से कम 2-3 घंटे के लिए, इससे घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी, पॉजिटिव ऊर्जा घर में आएगी.
सुबह और शाम किसी धार्मिक जाप, मंत्र या प्रवचन जरूर चलाया करें। एक एक घंटा ऐसा करने से बहुत पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन से एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। घर में पूजा के स्थान पर रोजाना घी का दीपक जलाया करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और इष्ट प्रसन्न होते हैं। घर के नॉर्थ में तुलसी का पौधा लगाएं। उत्तर में पौधे के बढ़ने का मतलब होता है पैसे की बढ़ोतरी। तुलसी जी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सर्व मंगलकारी हैं। घर में झाड़ू भी लक्ष्मी है, उसे रास्ते में ना रखें और साथ ही उसमें पांव झाड़ू पे ना लगने दें। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल आदि दूसरे दिन हटा दें। पासी फूल नेगेटिव ऊर्जा छोड़ते हैं। चलिए, वक्त हो गया है अपने आज के पहले व्यूअर से बातचीत करने का। सुनील कुमार ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। सुनील जानना चाहते हैं कि पिछले साल शादी हुई है, पत्नी से बनती नहीं है, क्या करें। 3 महीने हो गए हैं, पत्नी अपने मायके चली गई है, वापस नहीं आती है। काम कीजिए, अपनी और पत्नी की तस्वीर को लाल मौली से 7 बार बांधकर शहद की शीशी में डालकर घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए और पत्नी को मनाने के लिए घर जाइए उनकी और मनाकर लेकर वापस आइए। इसको रखने के 3 दिन बाद जाइए, आपकी बात बन जाएगी। आप भी फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं। सास बहू फैमिली ग्रुप पर अपने इश्यूज हमें भेजिए और शो देखते रहिए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन यही मिलेगा। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन आपके कल को सुधारती हूँ, आपको बताती हूँ क्या करना है अपनी राशि के हिसाब से। मेष राशि के लोग, किसी की भी बातों में ना आए आप, और किस्मत आपका साथ दे रही है 60%। वृश्चिक राशि वाले लोग, टॉडिन, गणेश जी को याद करें, सारे काम बनेंगे। लक आपका साथ दे रहा है 69%। मिथुन राशि के लोग, आरती कीजिए विष्णु जी की, सारी समस्याओं का हल मिलेगा। लक आपका साथ दे रहा है 55%। कर्क राशि के लोग, आप लोग घर में तुलसी जी का पौधा लगाएं या फिर अगर हैं तो उन्हें जल दें। लक आपका साथ दे रहा है 80%। सिंह राशि के लोग, लियोस, पैसे का अगर कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो कल कर दीजिए, फायदा होगा। और लक आपका साथ दे रहा है 72%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, एप्पल खाइए, घर वालों को खिलाइए, गरीबों को भी खिलाइए, किस्मत आपका साथ दे रही है कल 82%। तुला राशि के लोग, लिब्रंस, कान के पीछे काला टीका लगाइए, नजर दोष खत्म होंगे, लक आपका साथ दे रहा है 42%। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, सूर्य देव को प्रणाम कीजिए और लक आपका साथ दे रहा है 75%। धनु राशि के लोग, आप लोग घर का मंदिर साफ सुथरा रखिए, किस्मत आपका साथ दे रही है 56%। मकर राशि के लोग, आप लोग गरीबों को दूध दान में दीजिए, लक आपका साथ दे रहा है 52%। कुंभ राशि के लोग, किसी को सलाह ना दें, दिक्कत आएगी, लक आपका साथ दे रहा है 82%। और मीन राशि के लोग, डॉग्स को रोटी खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा, किस्मत साथ दे रही है 58%। आइए अपने एक और व्यूअर से बातचीत करते हैं। पंजाब से हमारे एक दर्शक ने अपने घर का वीडियो हमको भेजा है। अपना नाम बताने के लिए मना किया है तो मैं नहीं बताऊंगी। परेशानी ये है कि काम है एक्सपोर्ट का, बिल्कुल नहीं चल रहा है, कभी लेबर चली जाती है तो कभी कोई परेशानी आ जाती है। अच्छा रहता अगर आप अपने काम की जगह का वीडियो मुझे भेजते, खैर कोई बात नहीं है। आप एक क्रिस्टल ग्लोब अपने काम घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, उसके साथ साथ अपने यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में 2 ब्लू बल्ब 0 वॉट के जला दीजिए जो 24 घंटा जलता रहे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शो के आखिर में जाने से पहले चलिए आपको आज का 5वां महा उपाय बता देती हूँ। क्या कुंडली में राहु की दशा खराब है? अगर किसी के ऊपर राहु का भयंकर क्रूर दृष्टि है तो चांदी के बर्तन में ही भोजन करना चाहिए, इससे राहु के शुभ फल मिलने लगेंगे। लेकिन कोई बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। बेबी के बाद मेरे भी जाने का टाइम हो गया है, लेकिन कल मैं आपको एक्सीडेंट से बचाने वाली बात करूंगी, आपको किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए जानकारी दी जाएगी, आपके और आपके परिवार के बहुत काम आएगी। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।